गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई इन्फो चैनल में आपका आज एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सकर्स के बारे में बताऊंगा, जो कि गुलाब के पौधों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। अगर इनको समय पर नहीं हटाया गया तो ये आपके गुलाब के पौधे को पूरी तरह से सुखा कर बर्बाद कर देंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सकर्स होते क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइब्रिड गुलाब या इंग्लिश गुलाब, उनकी कलम डायरेक्ट लगती नहीं है। उनको लगाने के लिए हमें किसी देसी गुलाब के पौधे में उसको ग्राफ्ट करना पड़ता है, जैसे कि इसको किया गया था। ये इंग्लिश रोज है, उसको देसी गुलाब में ग्राफ्ट किया गया था। ठीक इसी तरह इसको भी ग्राफ्ट किया गया है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जिस एरिया में हमने ग्राफ्ट किया रहता है उसके नीचे जो बेस में देसी गुलाब का हिस्सा रहता है, उसमें से नई बड आ करके और वो बढ़ने लगती है और वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ये जो देसी गुलाब की शूट्स होती हैं, इनकी ग्रोथ बहुत तेज होती है, और जब ये ग्रोथ करती हैं तो सारे न्यूट्रिशंस जो मिट्टी में रहते हैं उनको ये सोखती जाती है, जिसके कारण जो हमारा हाइब्रिड गुलाब रहता है या ग्राफ्टेड गुलाब रहता है उसको न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते और उनकी ग्रोथ रुक जाती है और धीरे धीरे वो सूखने लगते हैं। अगर हम इनको समय पर नहीं निकालेंगे तो जो अपना ग्राफ्टेड या इंग्लिश गुलाब है वो धीरे धीरे सूख कर पूरा ख़त्म हो जाएगा और केवल अपनी ये देसी गुलाब की जो डगाल है वो बची रहेगी। और दोस्तों, इस डाल में कभी भी आपको फूल खिलते हुए नहीं दिखेंगे, ये बस बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और हो भी सका तो साल भर में कभी किसी सीजन में फूल आ जाएगा, लेकिन इसके अलावा इसमें फूल नहीं आता और अपना जो ग्राफ्टेड रोज है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। अब बात आती है दोस्तों इसको पहचानने की, कि इसको कैसे पहचानें। पहली तो सबसे बड़ी पहचान इसकी है इसमें सात पत्तियों का होना। आप देख सकते हैं हर जगह इसमें सात पत्तियां होंगी, तीन इस साइड, तीन उस साइड और एक सामने, और सब बराबर साइज की होंगी। जबकि जो ग्राफ्टेड रहते हैं या इंग्लिश गुलाब रहते हैं उनमें पांच पत्तियां रहती हैं। आप देख सकते हैं इसमें पांच पत्तियां हैं, ऐसे इनमें भी अब मैं दिखाऊंगा तो पांच है। कभी कभार ही उसमें सात पत्तियां रहती हैं, लेकिन जो अपने जंगली रोज की डगाल है या कह लें कि सकर्स हैं, उनमें हमेशा आपको सात पत्तियां दिखेंगी और बड़े साइज की दिखेंगी। और दूसरा तरीका होता है पहचानने का, ये जो ग्रोथ करते हैं ये ग्राफ्टेड पार्ट के नीचे से ही हमेशा ग्रोथ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने हमारा गुलाब जो है यहाँ पे ग्राफ्ट किया गया था और वो उसके नीचे से जो बेस कलम है उसमें से उगे। ऐसे एक ये देखिए, कभी कभी ऐसा लगेगा ये जमीन के नीचे से निकले, लेकिन अगर अपना ग्राफ्टेड पोर्शन बहुत नीचे रहता है तो ये मिट्टी के नीचे साइड से भी ग्रोथ कर जाते हैं। और तीसरी इसकी पहचान है ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं, और जब ये बढ़ते हैं तो केवल ये हरे दिखते हैं, बाकी का गुलाब का जो पोर्शन है वो सूखने लगता है। दोस्तों, इसको समय पर निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपको दिखे कि ये बढ़ना शुरू हो गए इनको तोड़कर निकाल दीजिए। इनको किसी भी चाकू या कैंची के सहारे कट करके तुरंत आपको अलग कर देना है, वरना आपका पूरा हाइब्रिड गुलाब का जो पौधा है वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, एक मैंने सकर को अलग कर दिया है। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ना तो कभी फूल आने की संभावना है और ना ही इससे कुछ फ़ायदा होना है। और देखिए ये पूरा हरा भरा था और जो मेरा जो हाइब्रिड रोज है वो लगभग सूखने ही वाला था। अगर इसको अभी मैं नहीं निकालता तो ये पूरी तरह से मेरे ग्राफ्टेड रोज को सुखा देता। आप एक और मेरा ग्राफ्टेड रोज का पौधा देखिए, इसमें अभी कोई सकर्स नहीं है तो ये अपनी अच्छी ग्रोथ में है और इसमें नई कली भी आ गई है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ऐसे ये भी सकर जो है इसको भी मैं हटा देता हूँ, जिसको नीचे से पूरा काटना पड़ेगा। अगर आपको
कभी भी अपने गुलाब के पौधे में शक्कर बढ़ता हुआ देखे तुरंत उसको हटाइए, और गुलाब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में मुझे पोस्ट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए जिससे कि मैं आपको और नई नई जानकारियाँ देता रहूँ। धन्यवाद दोस्तों।